जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे सब सनातनियों को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात आई है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन? तो इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जो नॉर्मल में तो ऐसा होना चाहिए कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास पैसे लेके, जिनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको दिया जाए। तो पैसे वाले, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से कौन है पैसे वाले? तो पैसे वाले अदानी, अंबानी, वो लोग नहीं है। राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा नहीं है। जो 15-17-18 हजार रुपया कमाते हैं ना महीना, वो सब है। उसके ऊपर ज्यादा टैक्स डाल के उनका पैसा लेके, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है कौन है? जो कैंपों में रहते हैं, रोहिंग्या है, हाँ, और इलीगली जो घुस के आते हैं। मेन तो उनका यही एजेंडा है देने का। तो एक आदि अचिंतकर बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत लिखते हैं। मैंने उनको वीडियो देखा तो मैं उसे इंस्पायर हुआ, तो उसने कुछ बातें कही है, तो वो मुझे भी लगा कि वो बातें सबके पास, तो क्योंकि वो तो हाई थिंकिंग, हाई प्रोफाइल मीडिया वाले हैं, तो ऑर्डिनरी लोगों के पास उसकी बातें शायद ना पहुंचे। तो मैं कुछ कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी पर्सन समझता हूं। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास के पैसे लेके लोअर क्लास जो रेफ्यूजी में रोहिंग्या वगैरह को दिए जाए, तो मैं आदि अचिंत का वीडियो से कुछ लेके, थोड़ा बहुत सीख के, थोड़ा बहुत और रिसर्च करके आपके लोगों के पास पहुंचाता हूं। मैं भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह में नॉलेज इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरा एक प्रयास है। तो ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आदि अचिंत ने बोला था, उधर एक रिपोर्ट था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फिक्सिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, तो कैसे करेंगे? ये रिपोर्ट किसने रखा था? ऑक्सफाम। ऑक्सफाम क्या है? ऑक्सफाम है यूके बेस्ड एनजीओ है, जो गवर्नमेंट ग्रांट से चलता है। यूके की गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, फिर उनकी चैरिटी शॉप्स भी है, लोग चैरिटी करते हैं, वो शॉप्स में सामान रखते, बेच के लेते हैं। ऑक्सफाम वाले बहुत फेमस है। ऑक्सफाम वाले के साथ कौन कौन मिले हुए हैं? तो उनके जो जोड़ीदार है UUHIP, अभी ये नाम इतना विचित्र है, उसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल पड़ता है मेरे जैसे तो लोगों को। UUHIP स्टैंड फॉर द यूनिलेटरल यूनिवर्सल होल्डिंग इंडिया प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनिलेटरल यूनिवर्सल होल्डिंग इंडिया प्रोग्राम, इंडिया को होल्ड करने की। मुझे तो लगता है दूसरा कुछ नहीं है नाम के पीछे, इंडिया की प्रोग्रेस को रोको, इंडिया को रोको, कुछ भी करके। इंडिया वर्ल्ड पावर नहीं बनना चाहिए, इंडिया रिच नहीं बनना चाहिए, इंडिया गरीब है उसको लूटते रहो, इंडिया गरीब ही रहना चाहिए, ये उसका उद्देश्य लगता है, जैसे उसका काम है, मेरे को तो यही लगता है। अच्छा, उसके साथ दूसरे कौन कौन लोग मिले हुए हैं? वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसको सबको फंडिंग कौन करते हैं? जॉर्ज सोरोस जैसे लोग करते हैं। डीप स्टेट्स ऑफ यूके, डीप स्टेट ऑफ यूएसए, जर्मनी, टर्की, चाइना, जो इंडिया को पसंद नहीं करते, इंडिया की प्रोग्रेस रोकना चाहते हैं, इंडिया में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कनाडा वाले जैसे लोग, तो वो सब उनको फंडिंग करते हैं। वो वेरियस एनजीओ के थ्रू इंडिया में प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे नर्मदा नदी का जो डैम बनता था, बनने नहीं दिया, थ्रू मेगा पाटकर एंड दूसरी वो जो तिस्ता से तलवार थी, तो क्या था उसके पीछे? तो मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं नर्मदा पे जाके आया था, जब डैम बनता था, तो जो हाइड्रो पावर, मतलब पानी को यूज करके बिजली बनाने का प्रोग्राम होता है, उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो उसका टर्बाइन बाय करने का था, तो टर्बाइन के लिए दो कंपनियों ने सबमिट किया था अपना टेंडर, एक थी जी जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ अमेरिका और एक थी मित्सुबिशी, वो जापान की थी। तो हमारे जो नर्मदा निगम चेयरमैन के चेयरमैन थे और दूसरे लोग जो कमेटी थी, सबने एसेस करके मित्सुबिशी का टर्बाइन अच्छा लगा और ज्यादा ठीक लगा, तो वो बाय किया। तो जी को मिर्ची लग गई, जी ने फिर वो ये ऑक्सफाम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फलां ढिकना, ऐसे बहुत एनजीओ करके, ये मेगा पार्ट कर, तीसरा से तलवार जैसे लोगों को फाइनेंस किया, नर्मदा निगम का काम इतने सालों तक रुकता रहा। लेकिन मोदी है जिसका नाम, कुछ भी करके उसने नर्मदा निगम डैम, तो नर्मदा डैम बनाया। और आज की तारीख में गुजरात में जो बहनों को 20-20 माइल तक चलना पड़ता था पानी लेने के लिए, वो उसके घर में पानी जाता है। ये है अचीवमेंट, राइट? तो इंडिया की इतनी प्रोग्रेस इन लोगों को तो अच्छी नहीं लगेगी ना, रोकेंगे ना। तो अभी आपने देखा होगा, जब ये मोदी गवर्नमेंट यानी अमित भाई वगैरह जैसे लोग एक्टिव हुए, तो बहुत सारे एनजीओ और उसका जो FCRA अकाउंट होता है, FCRA अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि फॉरेन से उसको फंडिंग मिलती है, तो वो सब बंद कर दिए।
तो वो लोग फॉरेन के फंडिंग से अपने देश में ये रुकावटें पैदा करते थे। एक जो मुझे बहुत डसने वाला था, जो सबसे ज्यादा नर्मदा का बताया, दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं इतना हैरान होता हूं, मैं कभी कभी ये सोच के पागल हो जाता हूं, मेरा दिमाग चलना बंद होता है। इंडिया में डेवलपमेंट के लिए दो जोन बनाए गए थे, सीआरजेड स्टैंड फॉर द सेंट्रल रिजर्व जोन, जिसमें दरिया से 500 मीटर की दूरी पे या एक आध किलोमीटर की दूरी पे आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है एसआरजेड स्टेट रिजर्व जोन, उसमें भी वही है, 500 मीटर या एक किलोमीटर की दूरी तक आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसका मकसद क्या था कि इंडिया का जो दरिया किनारा इतना 4500 किलोमीटर कुछ लंबा दरिया किनारा, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो, इंडिया के दरिया के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो, इसके लिए बनाया गया था। और वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह में जाओ, पोर्ट में, जेटी में, पियर, इतना हार्बर वगैरह बना होता है कि मत पूछो बात। उतनी बड़ी बड़ी महंगे 300-400 मिलियन की योटे लांग करते हैं उसको उधर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और हमारे देश में इनको प्रॉब्लम आता है, हमारे देश में इतने बेवकूफ लोग हैं कि क्या बोले, बुरा लग जाएगा किसी को मैं बेवकूफ बोला है तो, लेकिन मेरे को तो लगता है ये जो एनजीओ को पलने पुलने देते या ऐसे जो सियाजे जिसे रोड चलने देते हैं ना, उसको बेवकूफ नहीं तो और क्या कहेंगे, या देशद्रोही कहेंगे, दोनों में से एक पकड़ लो आप, जो भी अच्छा लगता है वो। मुझे तो दोनों वर्ड अच्छे लगते हैं, हाँ, जो भारत के खिलाफ होते हैं। तो फिर वो मोदी गवर्नमेंट जैसे, अमित शाह जैसे ये लोग बंद करेंगे तो मिर्ची तो लगेगी। और वो जो गोविंदा का एक गाना था ना, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो उनको मिर्ची लगे तो हम क्या करें, हम तो अपने देश को बराबर करना चाहिए, हमारे देश की प्रोग्रेस नहीं रहे। तो ये इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं हम लोग, हाँ। तो ये सब ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, हर घंटे चलाते हैं भारत की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। और उसको कौन मिल जाते हैं, जो कुल्हाड़ी का एक जूनी कहावत है ना कि कुल्हाड़ी खुद लकड़ी को कभी नहीं काटती थी, लकड़ी का हाथा उसके अंदर नहीं डाला जाता, तो लकड़ी ही लकड़ी को काटने में कारणभूत बनती है। तो हमारे देश में, हमारे देश के अंदर जो लोग है जो भारत के खिलाफ देना चाहते हैं या भारत की प्रोग्रेस नहीं चाहते या पैसे कोई महत्व देते हैं, वो लोग उनको साथ देते हैं, बराबर है। और बाकी तो लेफ्टिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, नक्सलिस्ट है, वोक एलिमेंट है, वो सब भारत के खिलाफ है, भारत को तोड़ना चाहते हैं और उसको साथ देते हैं, तो उसके थ्रू ये लोग काम करते हैं। जैसे लकड़ी काटने की वजह बनती है, इसे भारत के लोग ही भारत की प्रोग्रेस रोकने की वजह बनते हैं। और फॉरेन वाले उसको फंडिंग करते जाके लेके आते हैं, ये टूल किट चलती रहती है अलग अलग, राइट। और वो मेन उनका पर्पज क्या होते हैं, भारत की प्रोग्रेस को स्ट्रेंगल करो, स्ट्रेंगल मतलब गला दबा देते हैं ना, तो आदमी सांस नहीं ले सकता है तो फिर मर जाता है। तो फिर वो जिसे भारत का गला दबा रहे हैं प्रोग्रेस का, तो भारत का प्रोग्रेस नहीं होने जा रहा है, राइट। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग। अभी ये जो इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस को करना है, तो मैं तो बोलता हूं पहले से शुरुआत करें ना, चलो ना, जो अपना राहुल भाई है, हाँ, सोनिया गांधी जी मैडम है, प्रियंका बेन है और रॉबर्ट वाड्रा जी है, उसकी सबकी एसेट के बारे में अगर आपको बात करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। मुझे तो कभी दिमाग में बैठता ही नहीं ये लोग क्या धंधा करते, किधर से पैसा लेते हैं। एक जो डिक्लेरेशन दिया था सोनिया गांधी जी ने, इलेक्शन के टाइम पे देना पड़ता है, तो 2004 में दिया था, उधर उसके पास 85 लाख रुपीज बताया था उसकी नेटवर्थ। और अभी जो उसने राज्यसभा का भरा तो उसमें उसकी वेल्थ बताई गई नियरली 12.53 करोड़। तो ये दोनों का डिफरेंस है नियरली 11 करोड़ रुपये। आया कहां से, कौन सा बिजनेस करती है वो मैडम? सुब्रमण्यम स्वामी का तो इधर मैं जिक्र नहीं करता हूं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी तो जो हिसाब से बोलते हैं ना, वो सुब्रमण्यम स्वामी ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनके किसी के बाप का डर नहीं है। और ये लोग सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कभी केस करेंगे नहीं, करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी उसका कपड़ा उतार लेंगे या क्या उतार लेंगे मालूम नहीं, लेकिन ये लगता है इसको इटाली भेज देंगे वापिस, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बोला था। हाँ, राहुल बाबा क्या धंधा करते हैं? राहुल बाबा की नेटवर्थ कितनी है मैं आपको बताता हूं। राहुल बाबा के डिक्लेयर नेटवर्थ है 4.3 crore। सारे मैं तो जिंदगी भर पूरी मेहनत किया, बिजनेस किया 50 इयर्स में, सिर्फ 4.3 crore नहीं कमा सका, और ये क्या बिजनेस करता है, किधर से आता है 4.3 crore? अच्छा, उनके दामाद जी है रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा के जो अनडिक्लेयर एक तो मीडिया रिपोर्ट, क्योंकि उनका तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न अपने पास आता नहीं है, तो उसमें देख के मैं आपको बताऊं, लेकिन उसमें बताया था 17,250 करोड़ रॉबर्ट भाई वाड्रा की। वो ऑर्डिनरी काम करता था, धंधा करता था, जब इंदिरा गांधी, सॉरी सोनिया गांधी का दामाद नहीं बना था, उसके पहले प्रियंका से शादी नहीं हुई थी, यूपी में मुरादाबाद से है वो, राइट। लेकिन जब भी इनका दामाद बना, कुछ डीएलएफ करके एक रियल एस्टेट कंपनी थी उसके साथ जुड़ान करके, और लोगों की जमीन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हाँ, मध्य प्रदेश वगैरह में सब जगह लेके 17,250 करोड़, ये कितना पैसा होता है मालूम है? नियरली $2.1 बिलियन होता है। लोग जिंदगी भर कमाते इतना नहीं कमा सकते, लेकिन ये तो दामाद बनने के बाद दुम हो गया ऐसा, राइट। तो इनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करे?
किधर मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि ये चारों लोगों की वेल्थ को मिलाया जाए तो 1800 करोड़ है, तो 1800 करोड़ लेके अगर 1800 फैमिली को 1-1 करोड़ दिया जाए तो फैमिली की सारी जिंदगी, 1-1 करोड़ तो छोड़ो उसको है, अगर 18,000 फैमिली हो जाए, अगर 10-10 लाख दिया जाए तो, और 1,80,000 फैमिली की जिंदगी सुधर जाए अगर 1-1 लाख दिया जाए तो, हाँ, और ये चारों को तो क्या फर्क पड़ता है, कल जाके वापिस पैसा जमा कर लेंगे और किधर छुपाया हुआ पैसा निकाल के मजा करेंगे। तो इनका ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। आप समझिए, सोचिए क्या इरादा है इनका, क्या करने का इरादा है। और आज शाम पित्रोड़ा भाई ने बोला हुआ है, शाम पित्रोड़ा तो राहुल गांधी के गुरु है, उसको उसके पिताजी के दोस्त थे, हाँ, राज्यसभा के मेंबर भी थे। एक बात है, श्याम पित्रोड़ा का आभार तो बात में माना, भारत में जो टेलीफोन क्रांति आई, टेलीफोन पहले बहुत वेटिंग में थे, लैंडलाइन नहीं मिलती थी, 2 नंबर के पैसे देके लैंडलाइन मिलती थी, वो श्याम पित्रोड़ा एक टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत में मोबाइल लेके आए और ले गए, तो भारत की क्रांति हो गई। उसमें एक क्रेडिट देनी पड़ेगी, जो भी है क्रेडिट शुड बी गिवन वेर इट इज ड्यू, राइट। तो इधर श्याम पित्रोड़ा, बाकी उसके जैसा आदमी मैंने देखा नहीं, हमारा गुजराती है लेकिन किधर किधर तो बकवास करते हैं, इधर किधर एक दफा बोलते हैं कर लिया तो क्या करोगे, ऐसे लोग है ही है, राइट। उनको रियालिटी का कुछ भी मालूम नहीं है, भारत के मामले में बकवास करते रहते, अपनी रोटी पकाते रहते हैं, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, आपका वोट, अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन चल रहे हैं सब जगह, तो मेरे प्यारे भाइयों, खास करके पैसे वाले भाइयों, बहनों, हमारे गुजराती भाइयों, आलसी मत बनना, इलेक्शन के टाइम पे पते मत खेलना घर में, दारू मत पीना, हॉलीडे पे मत चले जाना, वोट करने के लिए जाना और अपने साथ कम से कम 2-4 लोगों को लेके जाना, वोट करना, आपको जिसको ज्यादा अच्छा लगे उसको वोट करना, लेकिन वोट तो करना, क्योंकि लोकशाही में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बस बाकी तो क्या है कि मैं मेरे ज्ञान के हिसाब से आपके साथ सब शेयर करता रहता हूं, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को बताइए। हमारी चैनल है सनातन शक्ति, उसको सब्सक्राइब करिए, फ्री है, कुछ छोटी मोटी बातें आपको जानने सीखने को मिलेगी, हाँ, और आपका कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो आपका खूब खूब धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।